गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? तो बेटा, इससे पहले जो क्लास थी अपनी, उसमें अपने जो साधारण जो वाक्य थे, उन साधारण वाक्य का अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था मैंने आपको। अच्छा, अब इसके आगे जो अगला जो प्रकार है वो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इसमें जो दूसरा जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब यहां पर दो चीज तो जरूर मिलेंगी बेटा। वो क्या क्या मिलेंगी? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो बेटा इसमें दो चीज़ मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो कोई भी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा, उसमें हमेशा सबसे पहले या तो सहायक क्रिया आएगी या WH वर्ड आएगा। जिस वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया या WH वर्ड आए, उसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दो पहचान मैंने आपको बता दी कि या तो सहायक क्रिया या WH वर्ड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी कैटेगरी के आधार पर, इसी श्रेणी के आधार पर जो हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो भी दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, अब वो देखेंगे कौन कौन से। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं बेटा, वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया था, एक तो है हमारा सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक भाई, पहला तो है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। इसका मतलब जो भी हमारी सहायक क्रियाएं हैं, जैसा कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितनी भी अपनी सहायक क्रियाएं हैं इनसे शुरू होगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? हमारा सहायक क्रिया से शुरू। और प्लस में जो मॉडल होते हैं बेटा, वो मॉडल भी सहायक क्रिया का ही रोल अदा करते हैं, क्योंकि मॉडल है वो खुद एक्सिलरीज वर्ब है। इसका मतलब वो वर्ब का भी रोल अदा करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी रोल अदा करता है। तो एक ऐसे शब्द जो खुद अपने आप में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करे, उनको एक्सिलरीज वर्ब कहा जाता है। तो ये तो होगी हमारा पहला कैटेगरी, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, जिसमें मैंने आपको बता दिया जो भी सहायक क्रियाएं हैं वो। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है वो है बेटा WH शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक। इसमें जो दूसरी जो कैटेगरी है वो है WH शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे WH में? जितने भी हमारे WH शब्द हैं, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हेयर है, विच है, वाई है, हु है, हुज, हुम,
हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओफन, ठीक है ना। ये जितने भी हमारे ये 15 हैं बेटा, डब्ल्यू एस फैमिली 15 हैं, तो इनसे कोई भी वाक्य शुरू होगा तो वो आएगा हमारा डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में। अच्छा, दो कैटेगरी बता दी बेटा मैंने कि अपन प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले यानी कि हेल्पिंग, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक है, ये दो हो गए। अब इसमें अपन पहला जो प्रकार है उनका अपने को इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो पहला जो प्रकार है वो है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इनका अपने को इनडायरेक्ट कैसे बनाना है वो देखो। तो पहला है हमारा सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, बेटा इसमें बाकी के जो हमारे मुख्य जो परिवर्तन हैं, जैसे कि अपने मैंने पहला परिवर्तन लिखवाया था टेंस परिवर्तन संबंधी नियम, दूसरा लिखवाया था सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम, और तीसरा लिखवाया था शब्द परिवर्तन संबंधी नियम। ये जो मुख्य जो परिवर्तन है ये तो हमारे रहेंगे यथावत, ये तो जब तक अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब तक रहेंगे यथावत, यानी कि इनको अपन जैसे बदलते आ रहे हैं उसी कैटेगरी में क्या करेंगे अपन बदलेंगे। इनके अलावा जैसे साधारण वाक्य में अपने आरवी के सेड को सेड में, सेड टू को किस मतलब था टोल्ड में, ठीक है ना, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन बेटा अस्थाई परिवर्तन है, अस्थाई मतलब जैसे जैसे वाक्य अपन आगे बढ़ते हैं तो उस प्रकार से ये जो परिवर्तन है ये भी क्या होने लग जाते हैं, चेंजेज होने लग जाते हैं, यानी कि बदलने लग जाते हैं, परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये अस्थाई परिवर्तन बेटा, जैसे अपन आरवी के सेड अथवा सेड टू को बदलते हैं, कोमा व इन्वर्टेड कोमा को बदलते हैं, तो ये जो परिवर्तन है ये अस्थाई परिवर्तन, इसका मतलब जैसे जैसे वाक्य आगे बढ़ते हैं तो ये परिवर्तन हटते चले जाते हैं और दूसरे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो अपन पहला नियम है वो अपन स्टार्ट करते हैं, इसका जो पहला जो नियम है रूल फर्स्ट, ठीक है, आरवी के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दे। देखो आरवी का जो सेड या सेड टू है उसको किस में बदला जाता है, आस्कड़ में बदला जाता है। ध्यान देना बेटा, जो साधारण वाक्य था, साधारण वाक्य उसमें जो अपन आरवी थी उस आरवी के सेड को तो सेड में बदलते थे, ठीक है ना। अच्छा, कई बार जो सेड है वो भी बेटा किस में बदला जाता था, टोल्ड में। वो आपने स्थिति देख ली होगी कब, यदि आरएस के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन आता है तो वो जो आरवी का सेड है उसको अपन टोल्ड में बदलते थे, अन्यथा अगर अपन साधारण नियम की बात करें तो आरवी के सेड को तो सेड में बदला जाता है और सेड टू है उसको किस में बदला जाता है, टोल्ड में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर तो अलग अलग में बदला जाता था, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सैड और सैड टू दोनों जो चीज़ें हैं उसको किस में बदला जाएगा, आस्कड में बदला जाएगा, एक ही चीज़ में बदला जाएगा। इस चीज़ का आप क्या रखना, ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। साधारण वाक्य में सैड को सैड में बदलते थे, सैड टू को टोल्ड में बदलते थे, यहाँ पर अपन सैड और सैड टू दोनों को अपन किस में बदलते हैं, आस्कड में, ठीक है। अच्छा, अब अपन दूसरी बात साधारण वाक्य में करें कि साधारण वाक्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को किस में बदलते थे, दैट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोमा व इन्वर्टेड कोमा है उसको बदल देंगे इफ या वेदर में। इसका जो दूसरा जो हमारा नियम है वो है कोमा व इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर
इफ या वेदर में बदलते हैं। यहां पर दो चीज आई है बेटा कनेक्टिव वर्ड। साधारण वाक्य में केवल एक ही कनेक्टिव वर्ड था, यहां पर आई हैं दो, और वो दो क्या हैं? देखो साधारण वाक्य में अपन कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को सॉरी दैट में बदलते थे, यहाँ पर कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को बदलने अपन दो कनेक्टिव वर्ड में, लेकिन मैंने बीच में या लगा दिया। या का मतलब अथवा कि या तो आप इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ, ठीक है। अच्छा, लगाने को अपन बेटा कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वेदर का नाम लेते ही अपने को डब्ल्यू ई ए टी एच आर वेदर का मतलब मौसम होता है वो ध्यान में आता है, ठीक है ना। तो स्पेलिंग की गलती से बचने के लिए आप यहाँ पर कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हमेशा परमानेंटली अपन इफ में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। और फिर भी कई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं गुरुजी हमें तो वेदर का प्रयोग ही करना है, तो बेटा आप वेदर का प्रयोग कर दो तब भी गलत नहीं होगा। अच्छा, ये तो था एक जर्नल नियम, ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो है हमारा आरएस का, ठीक है ना। अब वो आरएस का देखो सबसे इम्पोर्टेंट नियम क्या है। आरएस के वाक्य को साधारण अर्थात आरएस का जो वाक्य है उसको साधारण, और साधारण का मतलब होता है अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये जो नियम है बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है ना। ये जो नियम है हमारा ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नियम, ठीक है ना। क्या है ये? अब देखो इसके आगे हमारा आरएस का वाक्य शुरू होगा, ठीक है ना। इसके आगे क्या होगा? हमारा आरएस का वाक्य शुरू होगा। अच्छा, अब अपन यहाँ पर आरएस के वाक्य को क्या करेंगे? साधारण या सकारात्मक। और साधारण या सकारात्मक का मतलब होता है वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना। अब देखो क्योंकि ये जो हमारा प्रकार है ये है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो बेटा आरएस में सबसे पहले क्या मिलेगी आपको? सहायक क्रिया मिलेगी, ठीक है ना। अब सहायक क्रिया मिलेगी तो अपन सहायक क्रिया का प्रयोग तो सबसे पहले कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें? वो जो हमारा आरएस का वाक्य है उसको साधारण करेंगे। साधारण का मतलब सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। वो जो बदला हुआ सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या लगेगी? क्रिया व सहायक क्रिया लगेगी, और बाकी के जो परिवर्तन है वो हमारे यथावत रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि आरएस के वाक्य को साधारण या सकारात्मक का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना, ठीक है। और जो शेष जो परिवर्तन है वो यथावत रहते हैं, तो बाकी के जो परिवर्तन अपन करते आए हैं जैसे टेंस परिवर्तन संबंधी नियम है, प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम है, शब्द परिवर्तन संबंधी नियम है, वो रहेंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है ना। तो अब मैं इसका एक वाक्य दे देता हूँ, वो वाक्य देखना। देखो भाई वाक्य है हमारा ही सेड टू मी डू यू टेक टी विद मी। अच्छा, ये हमारा डायरेक्ट का वाक्य है, इसको अपने को बेटा इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे इसको अपन इनडायरेक्ट में, ठीक।
ठीक है ना। अब अपने जो रूल और रेगुलेशन थे उसके हिसाब से आ जाएंगे। अच्छा ये जो वाक्य है इसमें दो वाक्य देखो, ये जो वाक्य है ये है हमारा आरबी का, ये जो वाक्य है ये क्या है हमारा आरबी का, ये जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा आरएस का। देखो दोनों चीज ऊपर भी साधारण वाक्य की बात करें तो साधारण वाक्य में भी दो ही चीज थी आरबी और आरएस, तो ये हमारी आरबी है और ये हमारा आरएस है। अच्छा एक बात बता, आरबी में हमेशा से ही एक ही परिवर्तन होता है, जो आरबी है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें हमेशा एक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन होता है सैड अथवा सैड टू को वाक्य के अनुसार बदलना, यानी कि जैसा वाक्य होगा उसके आधार पर ही अपन सैड या सैड टू को बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, ही का तो क्या आ गया ही। अब भाई सैड टू है तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य में या डबल एच से शुरू होने वाले वाक्य में चाहे सैड हो या सैड टू हो अपने को बदलना किस में है, आस्कर में बदलना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आस्कर और फिर क्या आ जाएगा मी, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एक परिवर्तन जो लगभग सभी में होता है यानी कि आरबी में सैड अथवा सैड टू बदलना। अब है यहाँ पर कोमा व इन्वर्टेड कोमा, ये भी वाक्य के आधार पर ही बदला जाता है। साधारण वाक्य में जैसे दैट में बदल दिया, प्रश्नवाचक में इफ या वेदर बदल देंगे, आगे किसी में टू में बदला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोमा व इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर में, तो आप यहाँ पर इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे मुख्य जो नियम है, मुख्य जो परिवर्तन है वो है हमारा ये है बेटा अपना आरएस का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है, मुख्य जो परिवर्तन है वो हमारे आरएस के वाक्य में ही होते हैं, ठीक है ना। अब जब सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसमें ही होते हैं आरएस के वाक्य में, तो इस टॉपिक का नाम भी क्या रख दिया, रिपोर्टेड स्पीच। और देखो इस आरएस की फुल फॉर्म भी क्या बताई थी मैंने आपको, रिपोर्टेड स्पीच ही बताई थी। अच्छा कई बार क्या होता है बेटा, जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं अपन, ठीक है ना, तो जिसमें दो तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना। अच्छा एक पार्टनर ने लगा दिया बेटा 40% हिस्सा, ठीक है, और बाकी के जो पार्टनर हैं उन्होंने लगा दिया 30-30% का हिस्सा। अब चूंकि है तो तीनों पार्टनर ही साझेदार हैं, ठीक है ना, लेकिन एक पार्टनर उसमें 40% हिस्सा लगा रखे, यानी कि उस लागत का कुल 40% पैसा एक कैंडिडेट ने लगा रखा है। तो अच्छा जिस व्यक्ति ने 40% का हिस्सा लगा रखा है उस व्यक्ति के नाम पर ही हो सकता है, मे बी हो सकता है उस फर्म का नाम पड़े, दूसरी बात हो सकता है कि उसमें जो मुख्य जो डिसीजन है कंपनी के हित में या कंपनी के अहित में जो भी मुख्य डिसीजन है वो हो सकता है 40% वाला ही व्यक्ति ले। इसका मतलब उसकी जो व्यक्ति जिन्होंने 40% हिस्सा लगा रखा है बाकी दोनों की तुलना में अधिक लगा रखा है उसकी उस कंपनी के निर्णय में ज़्यादा चलेगी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है वो किस में है आर एस में, तो इसमें सबसे ज़्यादा चलेगी भी किसकी आरएस की चलेगी। और इसी वजह से इस टॉपिक का नाम भी क्या रख दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच रख दिया गया है। इस टॉपिक का क्या नाम रख दिया गया है, रिपोर्टेड, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो आरवी है, उस आरवी में तो एक ही परिवर्तन है वो क्या है कोमा व इन्वर्टेड कोमा को बदलना, लेकिन आरएस इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन है तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है उसकी वजह से ही क्या कर दिया यहाँ पर इस टॉपिक का नाम कर दिया। तो अब यहाँ पर कोमा व इन्वर्टेड कोमा को तो इफ़ या वेदर में बदल दिया। अब जो हमारा तीसरा रूल है, तीसरा नियम है, ये इसको समझो एक बार, यहाँ पर है कि आर एस के वाक्य को साधारण अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हमारे यहाँ पर आर एस शुरू हो गया बेटा, ठीक है ना, ये आर एस शुरू हो गया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाक्य को साधारण या सकारात्मक का प्रयोग करेंगे। साधारण या सकारात्मक का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, अच्छा यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार,
ये तो आपको लिखवा रखा है कि जो क्योंकि शेष परिवर्तन यथावत रहते हैं तो यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर केस देख लो, जैसा केस यहाँ से आएगा वैसा ही केस अपना आर्ग्यू में से लेंगे। तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्यों, क्योंकि एक तो दो नंबर पर आ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस, तो बेटा जिसके अनुसार ये बदल रहा है उसका भी क्या लेंगे अपन, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का भी क्या लेंगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। तो ये यू है सेकंड पर्सन, ये मी के अनुसार बदलेगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी क्या देगा, सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आई। ये आ गया सभी के समझ में, एक बार दोबारा से समझाओ, एक बार दोबारा से समझो इसको भाई, इसको वाक्य को साधारण करेंगे, ठीक है ना। आर एस के वाक्य को साधारण या सकारात्मक करेंगे, साधारण या सकारात्मक का मतलब ये होता है बेटा वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना। तो ये इसका सब्जेक्ट है यू, यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन क्या है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पर केस देख लो कौन सा है, कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि ये दो नंबर पर आ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। तो मी का भी क्या लेंगे अपन, सब्जेक्टिव केस, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आ गया। अब बाकी के जो शेष परिवर्तन है वो हमारे हैं यथावत, कैसे, अब है यहाँ पर डू प्लस वर्ब के, भाई ये यू तो बदला ही गया, यू तो मी के अनुसार बदला गया, अब यहाँ पर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक की सेकंड फॉर्म में, लोग क्या जाएगा, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक, ठीक है भाई। फिर टी का क्या जाएगा, टी, विद का क्या जाएगा, विद। अब है मी, और मी क्या है फर्स्ट पर्सन, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं अपन, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, मी फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, इसके अनुसार बदलेंगे। अब आर एस के बाद देखो केस कौन सा है, मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो अपन ही का भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि जैसा केस यहाँ पर है वैसा केस यहाँ से भी, तो ये यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो अपन ही का भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। आया समझ में, तो वाक्य बना हमारा ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, इन दोनों में से एक लगा दिया, ठीक है ना, आई टुक टी विद हिम, ठीक है भाई, तो वाक्य बन गया। अब इसके आगे एक वाक्य और कर लो, देखो देखो भाई, वाक्य है हमारा राम सैड टू हिम डज सीता नॉट प्ले गेम विद यू, वही है आरबी और आरएस, ये हमारा क्या है आरबी है, ठीक है, और ये क्या है आरएस। आरबी में एक ही परिवर्तन है, वो है सैड अथवा सैड टू को वाक्य के अनुसार बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, राम का तो राम, सेट टू है तो सेट टू को किस में बदल दिया, आस्कर में, हिम का क्या आ गया, ठीक है भाई, कोमा और इनवर्टेड कोमा को इफ में बदल दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वेदर नहीं लगाओ तो इफ का प्रयोग कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर राम का तो राम आ गया, सेट टू को आस्कर बदल दिया, और हिम का क्या आ गया, हिम।
कोमा और इन्वर्टेड कोमा को बदल दिया इफ में। इसके आगे का जो वाक्य है वो साधन या सकारात्मक, इसका मतलब सब्जेक्ट लेंगे। अच्छा, आर एस में सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या है? नाम। और नाम किस में आता है? हमेशा थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन नौचे। बेटा थर्ड पर्सन कभी बदलता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीता का सीता। अच्छा, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, बात तो सही है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, लेकिन जैसा आ रहा है, यदि यहाँ पर ही है तो ही, सी है तो सी, नाम है तो नाम, हर है तो हर, यानी कि उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पर वाक्य को साधारण करेंगे तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, सीता थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पर सीता का क्या जाएगा? सीता आ जाएगा, यहाँ पर सीता का क्या आ गया? सीता। अब यहाँ पर डूडल्स प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान देना बेटा, ऊपर था डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म पर लगाया था, यहाँ पर है डूडल्स प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट आ गया, तो अपन डूडल्स प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं? डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही एक नियम है यहाँ पर ध्यान देने योग कि डूडज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो बदलते हैं अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और डूडज के साथ यदि नोट आ जाए तो फिर उसको बदलते हैं अपन डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सीता का तो सीता आ गया, अब डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेगा डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बेटा डूडज के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के साथ भी क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आगा सीता डिड नोट प्ले, ठीक है। गेम का क्या आ गया? गेम आ गया। विद का विद। अब है यहाँ पर यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, ठीक है ना। अब यू देखो केस कौन सा है, कौन सा केस है यहाँ पर? यू ऑब्जेक्टिव केस, क्यों? क्योंकि तीन के बाद आ रहा है। यू क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस, क्यों? क्योंकि वो आ रहा है तीन के बाद, ठीक है ना। और क्रिया व सहायक क्रिया के भी बाद आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो अपन हिम का भी क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। भाई ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, तो अपन हिम का भी क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो वाक्य बन गया हमारा, राम आस्क्ड हिम इफ सीता डिड नॉट प्ले गेम विद, आया समझ में? ठीक है, बाकी के इसके एग्जाम्पल में बेटा करवाएंगे कल। थैंक यू, हैव ए नाइस।